अच्छा हम लोग एक हॉरर ब्लॉग बनाना चाह नहीं रहे थे। हम लोग नीचे बैठे हुए थे छत पे, हम लोग अचानक कुछ ऐसा आवाज़ आने से हम लोग छत के ऊपर आया। हमारे पवन, जैसे कि आप देख रहे हैं, पवन हमारे साथ लगा हुआ है और हमें कोई ब्लॉग बनाने का ऐसा शौक था नहीं। रात में हमने सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो गया था, हम कुछ ब्लॉग खोज रहे थे। उसी हिसाब से हमें कुछ समझ में आया नहीं, एक आवाज़ आ रही थी छत से, तो अचानक हम छत पे आए। उसके बाद आगे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा वीडियो का पार्ट वन है, आप इसको देखिएगा। और इसके आगे हमें बहुत काम करना है। आखिरकार ये आवाज़ था कैसा, और हम जैसे वीडियो बना रहे थे बीच में हमें कुछ एक ऐसे हलचल लगी थी, और हमारे पवन ने भी उन्हें देखा था। जैसे कि पवन जी, आपने क्या देखा था उसमें? मैंने देखा कुछ जैसे भागने की कोशिश कर रहा है, और उसमें से जैसे मैं आपको एरो में दिखा दिया हूँ, वीडियो एडिट कर दिया हूँ। एरो में आप जस्ट गौर करिएगा कि एरो में है क्या, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एरो में क्या चीज़ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे अचानक आई आँख के सामने, फिर अचानक गायब हो गया, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये खाली छाया थी या फिर हमारा आँखों का वहम था, ये हमें भी नहीं समझ में आया। तो हम इसमें आज तो जो देखें वो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड होने वाली है कुछ ही देर में। और मैं से जैसे कि आपको बता रहा था कि रात के 11:30 बज रहे थे और घर में सबको सो गए थे, और हम लोग को कुछ समझ में आया नहीं। यार हमारी टीम भी हमारे साथ ही नहीं कि हम चारों तरफ घूम के देख सकते थे। हम और पवन ही सिर्फ रात को छत पे बैठे आए पता क्यों। और ये गेम चार्ली चार्ली गेम वाकई में हमने कल खेल नहीं पाया, क्योंकि कल इतना ज़्यादा डर गए थे। और इंट्रो आज हम बना रहे हैं, एक दिन के बाद इंट्रो दे रहा हूँ, दूसरे दिन नाइट में। और हम इतने डर गए थे कि चार्ली चार्ली गेम आ गया, हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा कि चलो पहले इस पर पूरा काम कर लें। धन्यवाद। वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, रात के 11:15 हो रहे हैं और आज आपको कुछ दिखाना चाहते थे। आज हॉरर ब्लॉग तो हम बनाना चाहते नहीं थे, हमारे कुछ डिस्कस हो रही थी, उस बीच हमें छत पर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, हमने सोचा बिल्लियाँ होगी छत पर। तो गाइज़ मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, और प्लीज़ कुछ नोटिस करना। हम यहाँ 2 बार नोटिस कर चुके हैं, हमारी सीढ़ियों पे लगता है कोई है, और आगे देखते हैं। छत पे तो लाइट है नहीं, दूसरे फ़ोन से मैं फ्लैश ला के काम करता हूँ। सो गाइस चैनल के साथ बने रहो, और आपको बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट और आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस चैनल पर बने रहो, अभी आगे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज हम एक्चुअली हम लोग चार्ली चार्ली गेम खेलने जा रहे थे। हमने यूट्यूब पे एक गेम देखा था, है चार्ली चार्ली आर यू हियर, तो उसमें कुछ छत से आवाज़ें आने लगी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छत पे ऐसा कोई है नहीं हम दोनों के अलावा। और हमने यहाँ तक आया दौड़ कर, तो पहले मुझे डर लग रही थी, उसके बाद मैंने पीछे देखा तो ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, और फुट की आवाज़ आ रहे थे, पैरों की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आ रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँ, कुत्तों की आवाज़ आ रही है। कहा जाता है कि रात में कुत्ते रोना या फिर कुत्ते को भौंकना अच्छा नहीं होता। हमें यहाँ कुछ एहसास हो रही थी कि सीढ़ियों पे कोई है, अब उतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे जाके दिखाऊँ आपको कुछ। और मैं छत का आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है, और यहाँ कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं, पैर भी बहुत ज़ोर से, और हवाएँ तो चल नहीं रही है, और गर्मी का सीज़न है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं। हमें दूसरा आज हम माइक भी लेके नहीं आ पाए, हम हड़बड़ा के छत पे हम चार्ली चार्ली गेम जैसे कि आप जानते हो यूट्यूब पे देखने होंगे, और हम वही गेम खेलने जा रहे थे। अचानक मुझे कुछ ऐसे फुट की आवाज़ आने लगी, तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ गाइस। ओके वीडियो के साथ आप बने रहिए गाइस। आप देख सकते हैं हमारी सड़क भी पूरी सुनसान, सारे लोग सो चुके हैं, और रात के 11:30 हो रहे हैं। हम और पवन चार्ली चार्ली गेम खेलने जा रहे थे, हमने देखा कि बहुत ने ट्राई किया, एक बार हमने ट्राई करते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि रात के 12 बजे इस गेम को खेला जाता है, तो हमने सारी प्रक्रिया शुरू कर ली थी गेम को खेलने के लिए, और हम गेम खेलने ही जा रहे थे कि उतने में हमें आवाज़ आता है। पता नहीं ये हमारा वहम है या फिर हकीकत है, मगर इसे पता लगाने के लिए तो हमें बारीकी से जानना होगा। हमारे पास ना टॉर्च है और ना फ्लैश लाइट है, सिर्फ एक फ़ोन के अलावा, जो कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन हमारे पास है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी में फ्लैश हमें काम भी करना है, और हम माइक भी नहीं लेके आए, और हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं इस छत का। और
आपको दिख रहा नहीं होगा मगर मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने को। देखिए यहाँ सीढ़ी है, यहीं से एहसास होगा। गाइस हमारे इधर कब्रिस्तान भी है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं नीचे आपको दिखेगी नहीं, ये हम जहाँ रुके हुए हैं घाटशिला में, ये कब्रिस्तान है नीचे। ये पीछे से आने के रास्ता, बच्चों का रोने का आवाज़ और कुत्ते भौंकते हैं, तो यार हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोर से फट रही है। गाइस मैं बाद में आपको ये दिखाऊंगा, पहले मैं अपना सेव कर लेता हूँ खुद को।